तो फ्रेंड आप लोग कैसे हैं। अब हम आज हम बनाएंगे सिंगारे की और आलू की पकौड़ी। उसके लिए हम चटनी तैयार कर रहे हैं। दो बड़े टमाटर थे जो हमने काट लिया है, ये छोटे अदरक के टुकड़े थे इसको हमने बारीक काटा है, और हम तीन हरी मिर्च छोटा है तीन हरी मिर्च काटेंगे और इसका बनाएंगे चटनी। देखिए अब इसको हम पीस के तैयार करते हैं। देखिए इसमें चटनी में धनिया डाल के अब इसको तैयार करेंगे। देखिए आधा चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक, इसको हम पीस के तैयार करते हैं। देखिए हमारा चटनी पीस के तैयार हो गया। टमाटर ज़्यादा था इसलिए कलर हमारा लाल है। देखिए ये हमने तीन बड़े आलू थे उसको काट के अच्छे से तीन पानी धो लिया है। देखिए बारीक काटा है। अब इसमें हम मिलाएंगे सिंगाड़े का आटा, जितना हमको ज़रूरत होगा उतना मिलाएंगे। बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच जीरा, देखिए छोटे चार हरी मिर्च हैं, इसको हम इसमें बारीक काट देते हैं, स्वाद अच्छा आता है। इसको हम मिक्स करते हैं, पहले ऐसे मिक्स करेंगे। हल्का सा पानी डालेंगे, आटे की ज़रूरत होगी सिंगाड़े की आटे की तो और थोड़ा लेंगे। देखिए आटा तैयार हो गया, व्रत के लिए बना रहे हैं हम। इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, आधा चम्मच के लगभग है, इसमें मिक्स करेंगे। देखिए तैयार हो गया। देखिए अब इसको हम तलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए देखिए घी हमने डाल दिया हाई फ्लेम पे, थोड़ा गर्म होने देंगे। पकौड़ा हम तभी डालेंगे जब हमारा घी एकदम से गर्म रहे। अच्छा गर्म रहेगा तभी अच्छा कलर और पकौड़ा तैयार होगा। गर्म हो रहा है देखिए। देखिए घी हमारा तैयार हो गया, इसमें हम डालते हैं, छोटा छोटा करके डालेंगे। इसको अच्छे से सीखने के बाद हम इसका इसको पलटेंगे। आप लोग अगर मूंगफली का तेल खाते होंगे तो आप उसमें बना सकते हैं। इतना ही डालेंगे, इसको सिकने देंगे। देखिए नीचे से लाल हो गया, उसको मैंने पलट दिया, इतना सुंदर कलर आया है, एक भी बिखरा नहीं। और हमने कच्चे आलू से ही बनाया है, बॉयल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टिप्स ऐसे ही बनाएंगे कच्चे आलू से। देखिए कितना अच्छे से लाल हो गया, इधर सीखने देते हैं थोड़ी देर और।
बटाटा को हमने फिंगर टाइप बारीक काट लिया था और उसको आपको दिखाया, उसी हिसाब से उसको मिलाया। देखिए इधर भी लाल हो चुका, दोनों तरफ से सीख गए हैं। मीडियम फ्लेम पे हम बना रहे हैं, हमारे बटाटे भी हो चुके हैं। देखिए दोनों तरफ से सीख गए। अब इसको हम निकालते हैं, देखिए निकालते हैं दो दो करके। जो बचे हुए हैं उनको भी हम डाल देते हैं। कितना अच्छा लग रहा है सिंगाड़े के आटे में आलू की पकौड़ा। देखिए ऐसे आप लोग भी वीडियो देख करके बनाइएगा। देखिए दूसरी बार जो डाल के पकौड़ा इसमें डाला था उसको भी हमने पलट दिया है दो मिनट के लिए और सिकने देंगे। मीडियम फ्लेम पे है क्योंकि आलू हमारे कच्चे थे, उसको होने में थोड़ा लगेगा समय। लाल देखिए कैसा अच्छा कलर आया है, दो मिनट के लिए और सीखेगा तो अच्छा और गल जाएगा या अच्छे से हो जाएगा। देखिए हमारा पकौड़ा सीख के तैयार हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं। इतना अच्छा खुशबू आ रहा है घी में बनाने से, देखिए। देखिए व्रत में खाने के लिए आलू और सिंगाड़े की पकौड़ी, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, जीरे और नमक की चटनी तैयार है। देखिए आप लोग भी ऐसा बनाने की कोशिश करिएगा और प्लीज़ हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए प्लीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।